हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमके गार्डन। तो आप सब कैसे अच्छे हो, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आ गए एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के साथ। तो आज मेरी वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, तीन चार मिनट की रहेगी। और ना आज कोई जानकारी नहीं है, बस ये जानकारी है कि आप लोगों को अगर नर्सरी जा रहे हैं तो कौन से प्लांट लाना है और कौन से नहीं लाना है, इस समय कौन से प्लांट हमें लाना अच्छा होगा, कौन सो नहीं लाना अच्छा होगा, तो इसी के बारे में है। और आप लोग देखिएगा, और शाम हो गई है तो अच्छे से दिख भी नहीं रहा है, मेरे पेड़ पौधे अच्छे से नहीं दिख पाएंगे, लेकिन आप लोग देखिएगा। और मैं आप लोगों से बता दूं कि अब मेरे दो दिन से वीडियो नहीं डाल पाई हूं क्योंकि तबीयत ख़राब है, और तो इसीलिए खांसी भी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाई। तो आप लोग देखिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का, तो आप लोग देखिए। एंड मेरे गुड़हल का कितना खूबसूरत सा कलर निकल के आया हुआ है, और कितना प्यारा, कितना सुंदर लग रहा है। और दो दिन से हो गई मेरी वीडियो एक भी नहीं आई है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी बना के डाल देती हूँ आप लोगों के लिए। तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि अगर आप नर्सरी जा रहे हैं और नर्सरी से प्लांट ला रहे हैं तो कौन से लाइएगा, कौन से नहीं लाइएगा। तो आप लोग ये वाले प्लांट ज़रूर लाइएगा, और कुछ लाइए चाहे न लाइए, ये वाले प्लांट लाइएगा, डांठस लाइएगा, सदाबहार वर्बीना, पिटूनिया, जरेनियम, ऐसे प्लांट लाइएगा जो आपका गार्डन फूलों से भर दे और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगे और आपको भी अच्छा लगे और आपका गार्डन भी फूलों से भरा रहे। तो ऐसे प्लांट लाइएगा। देखिए शाम हो गई, अच्छे से दिख में नहीं रहा है। और अगर मिल जाए तो आप लोग इसके यूफोर्बिया हाइब्रिड वैरायटी लाइएगा। देखिए कितना प्यारा इसमें से फ्लावरिंग हुई है कि पूरा जो प्लांट है फूलों से भर चुका है। ये हाइब्रिड होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं, पूरा भर गया है फूलों से। और ये सदाबहार है देसी वैरायटी, ये भी फूलों से भरा हुआ है। आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, मैंने कटिंग लगाई थी, और ये यूफोर्बिया की आप लोग देखिए कितनी प्यारा सा इसमें व्हाइट और पिंक का कॉम्बिनेशन है, और ये खिला हुआ है। ये छोटी सी कटिंग मैंने लगाई है, सोच रही हूँ कटिंग चल पड़े तो अच्छी बात है, लग तो गई है लेकिन अच्छे से चल जाए। इधर ये रहा मेरा सदाबहार, रात में जब ये फ्लावर देखते तो बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर लगता है। तो अगर हम नर्सरी से ला रहे हैं तो यही वाले प्लांट ज़रूर लाएं, और बाकी प्लांट लाने की गलती ना करें, क्योंकि अभी जो आउटडोर यानी अंदर रखने वाले इंडोर प्लांट हैं वो इस समय अभी डोरमेंसी के पीरियड में चले जाएंगे, तो इस समय ना उनकी ग्रोथ होती है, वो दो तीन महीने के लिए सो जाते एकदम से। तो वो वाले प्लांट नहीं लाइएगा, यही वाले प्लांट लाइएगा, ये वाले वर्बीना, पिटूनिया, डांठस और गजेनिया, और हो गया अरेनियम, जड़ेरियम, प्रेमूला, प्रेमलाव, ऐसे प्लांट लाइएगा जो गार्डन फूलों से भर जाए। जैसे हो गया ये गेंदा, 20 रुपये में, 15 रुपये में, 30 रुपये में आसानी से मिल जाएगा, और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है ये पूरा, इसको मैरीगोल्ड बोलते हैं, मैरीगोल्ड फूलों से पूरा भर जाता है। अभी देखिए मेरे फ्लावरिंग शुरू हो गई है, कितना प्यारा निकला हुआ कलर, ये देख लीजिए। रात हो गई है और मैं थोड़ी सी जो दो चार मिनट की वीडियो बना रही हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊँगी क्योंकि दो दिन तो हो गए वीडियो नहीं डाला है, तो आज थोड़ी सी वीडियो बना के डाल दे रही हूँ। आप लोगों को अच्छी लगे तो देख लीजिएगा। वैसे भी मेरी वीडियो चल नहीं रही है तो मेरा मन नहीं कर रहा डालने का, फिर भी मैं डाल दे रही हूँ क्योंकि आप लोग इस समय वीडियो नहीं देखते हैं, और मेरा कल रिचार्ज भी ख़त्म हो जाएगा तो मेरी वीडियो भी नहीं आ पाएगी। कल मैं सुबह कोशिश करूँगी कि जल्दी से एक वीडियो डाल दूँ, बाकी फिर 4-5 दिन के लिए मेरी वीडियो नहीं आएगी। मैं आप लोगों से बता दूँ, मैं दिल्ली चली जाऊँगी तो 5 दिन के बाद ही आऊँगी वहाँ से, 5 दिन तक मेरी कोई वीडियो नहीं आएगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो देखकर देखते जाइएगा, जो भी मेरे चैनल में पड़ी हैं आप लोग विजिट करते जाइएगा। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग मेरी वीडियो देखते जाइएगा, और जब मैं फिर वापस आऊँगी तो फिर मैं डालूँगी। और तबीयत भी ख़राब है, खांसी भी बहुत आ रही है। कितना प्यारा लग रहा है ना, इसको 20 से ग्रो किया था और 20 से ही ग्रो हो गया है, और अच्छी खासी इसमें से फ्लावरिंग भी हो रही है। ये देखिए ये मुर्गा केस कितना प्यारा सा कलर है। बाकी अब मैं ज़्यादा देर तक नहीं वीडियो बनाऊंगी क्योंकि अच्छे से दिख नहीं रहा, तो कोई मतलब नहीं है।
जा रही हूँ नीचे। मटके में यहाँ पे लगाया हुआ है इसको। अरे गौरिया बच गया, चक्कर आ गए चक्कर। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गॉड, लव माय फ्रेंड। आप लोग प्यार दीजिए, दुलार दीजिए ताकि मेरी भी वीडियो चले। बाय बाय।